शांति। आज 21/4/2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, जो कि बाबा ने 30/3/1999 में सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है, तीव्र प्रसाद की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। तीव्र प्रसाद की लगन को ज्वाला का रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर के वाइब्रेशंस फैलाओ। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हर एक बच्चे के मस्तक पर तीन लकीरें देख रहे हैं। शिव बाबा बच्चों के मस्तक पर तीन तरीके की लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार मिलता है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में इस समय के परमात्मा की पालना, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें पालते हैं, ऐसा भाग्य हमें एक बार मिलता है। सिवाय इस संगम के जब कलयुग आदि कलयुग अंत और सत्युग का आदि होने वाला है, तो ऐसे समय पर इस संगम के समय ये परमात्म पालना, बाबा कहते हैं, ये तुम्हें प्राप्त होती है। ये परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। पहले तो हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा की पालना मिल रही है, दूसरी बाबा हमें रोज ये पढ़ाई देते भेजते हैं। तो बाबा के इस पढ़ाई के भाग्य की कि स्वयं परमात्मा द्वारा हम पढ़ रहे हैं। परमात्म पढ़ना का ये कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। कितना कुछ हमें मिला जब से बाबा से हम जुड़े, कितना हम ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो गए। तो सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना, प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ कि शिव बाबा का बनने के बाद आपको क्या प्राप्तियां हुई। तो हर एक के मस्तक पर ये तीन लकीरें चल रही हैं, चमक रही हैं, पालना, पढ़ाई और प्राप्ति। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और बाबा कहते हैं, आप जैसे पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में भी सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं। बाबा स्थापना के समय के बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, जब ये यज्ञ स्थापन हुआ था अब ब्रह्म कुमारी इसका, तो बाबा कहते हैं उस समय ये ओम मंडली के नाम से शुरू हुआ था। तो बाबा उस समय की स्मृति दिलाते हैं और फलक से अखबारों में डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है, बाबा कहते हैं इतना धनी बनने का साधन क्या है, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो किस बात में रिचेस्ट है बाबा के बच्चे और इतना रिचेस्ट बनना, इतना धनी बनने का साधन क्या है। बहुत छोटा सा साधन है, लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बन जाते हो, जानते हो ना साधन। सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस, बिंदी लगाई कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, शिव बाबा भी बिंदी और ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना। आत्मा भी बिंदी, शिव बाबा भी बिंदी और ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना, वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। अब आत्मा भी बिंदु स्वरूप में, शिव बाबा भी हमारा निराकार परमपिता परमात्मा निराकार स्वरूप में, अब ड्रामा भी बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगा, और ड्रामा में हर सीन को देखते हुए ये सोचो ये ड्रामा की भाभी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। अब अपने को निराकारी स्वरूप अशरीरी स्वरूप में स्थित करके शिव बाबा को याद किया तो माना कमाई बढ़ गई। तो आपका साधन कितना सहज है, मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। और फिर बाबा बिंदी लगाओ और खजाना जमाओ, पहले मैं आत्मा, मेरा शिव बाबा भी परमात्मा, तो दोनों बिंदु स्वरूप में हैं। जब ये याद किया तो खजाना जमा, तो हो गए ना बाबा के बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को बीती जो बातें हो गई बाबा कहते हैं उसको फुल स्टॉप लगाओ तो और खजाना बढ़ जाता है। तो बताओ सारे दिन में कितनी बिंदियाँ लगाते हो, बाबा कहते हैं कितने फुल स्टॉप लगाते हो। बाबा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि फुल स्टॉप लगाते जाओ, बिंदु लगाते जाओ। आप तो त्रिनेत्री हो इसीलिए तीन बिंदियों को सदा यूज रखो। बाबा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, विधि है ही निराकारी अशरीरी, मैं आत्मा हूँ,
मेरा परमात्मा शिव बाबा है, बस इतना ही ज्ञान का सार है। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि है नहीं। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी, अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, तो भी सबकी विधि बिंदी है। इसीलिए बाबा ने पहले भी कहा, अमृत वेले बाबा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते जब कार में आते हो, तो पहले तीन बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक नहीं कहते बाबा, बाबा कहते हैं अमृत वेले जब बाबा से रूह रिहान करते हो तो तीन बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से स्मृति का तिलक मिटे नहीं, अविनाशी अमिट तिलक बना रहे। सबसे पहले तो हमारी स्मृति रहे कि मैं कौन, मैं एक आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति का पुंज मैं आत्मा हूँ, फिर मेरा परमात्मा भी मेरा स्वरूप है। जैसे मैं आत्मा निराकारी, वैसे ही मेरा परमात्मा जो कि शक्तियों का सागर है, शिव बाबा भी निराकार स्वरूप में है। तो बाबा को बाबा कहते हैं अविनाशी अमिट तिलक लगाते जाओ। बाबा बच्चों का प्यार बहुत देखते हैं, बहुत दूर दूर से बाबा से मिलने बच्चे जाते थे, तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार से याद भी करते थे। बाबा बच्चों के प्यार पर न्योछावर भी होते थे। शिव बाबा समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करो। अगर बाबा के समान बनना है तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो, इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो। बाबा से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। जब बाबा से हम मिलन मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, अमृत वेला जब उठते हैं तब बाबा को याद करते हैं। पहले तो बाबा से साकार मिलन मनाया करते थे, अब बाबा को जब हम याद में अपने को आत्मिक स्थिति में स्थिर करके बैठते हैं, उस मिलन का भी अनुभव करते हैं। तो बाबा से मिलन का उमंग उत्साह हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन बाबा तो बच्चों को एक सेकेंड भी नहीं भूलता। शिव बाबा के कितने सारे बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा आपको एक सेकंड के लिए नहीं भूलते, क्योंकि आप बाबा के बहुत सिकी लदे प्यारे बच्चे हो। देखो कहां कहां से देश विदेश से कोने कोने से बाबा ने आपको ढूंढा। भारत वालों की तो कमाल है ही, लेकिन बाबा ने विदेशों से भी अपने बच्चों को ढूंढा और इस ज्ञान मार्ग में धारणा करवाई। भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। बाबा कहते हैं आप बाबा को ढूंढ सके, कितना मंदिर गई, कितने पूजा की, कितनी भक्ति की, फिर भी वो शांति का अनुभव नहीं हुआ। बाबा ने कहा आप बाबा को नहीं ढूंढ सके, बाबा ने आपको ढूंढा। अपना बना लिया, गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा, न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। बाबा ने क्या रूहानी रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रंग देखा। बाबा ने न जाति देखी, न रंग देखा, न रूप देखा, बाबा ने सबके मस्तक पर एक रंग देखा, ज्योति बिंदु। बाबा ने बाबा कहते हैं न काला देखा, न गोरा देखा, श्याम देखा, न सुंदर देखा, कुछ नहीं देखा। क्या देखा, ये मेरा बच्चा है, ये देखा। तो कितना प्यार है बाबा का बच्चों से। आपका प्यार है, बाबा कहते हैं आपका प्यार है, किसका प्यार ज्यादा है, आपका ज्यादा है कि बाबा का ज्यादा है। बच्चे भी बाबा कहते हैं उत्तर देने में बहुत होशियार है। बच्चे कहते हैं बाबा आप ही कहते हो ना प्यार प्यार से खींचता है, तो हमने भी आपको प्यार से याद किया, तभी तो आपने हमको अपना बनाया। बाबा कहते बच्चे भी हमारे बहुत होशियार हैं इसमें, और बच्चों को खुशी भी है कि इतना उमंग उत्साह, हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाबा को इस बात की खुशी है कि बाबा के बच्चे इतना उमंग उत्साह रखते हैं। बाबा के पास 15 दिन के चार्ट, बहुत बच्चों का रिजल्ट आया। बाबा के पास 15 दिन के चार्ट का बच्चों का रिजल्ट आया। एक बात तो बाबा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी भी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह प्रतिज्ञा करके पूरा करने में लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा ने 15 दिन का बच्चों का चार्ट देखा, तो बाबा कहे बच्चे आगे तो इस ज्ञान मार्ग में बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेजॉरिटी बच्चे हैं जिनका अटेंशन ना है, वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़े बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अलबेलेपन के कारण, आलस्य के कारण बस अटेंशन ही कम दे रहे हैं। उनका एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे जाएंगे, जाना ही जाना है नहीं जाएंगे, हो ही जाएगा, यह है अलबेलापन, जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो वायदा भले करो फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। बाबा कहते वायदा भले करो फिर भी
दिल खुश मिठाई खिलाते, बाबा कहते बच्चे वायदा करते हैं बाबा कर लेंगे, हो भी जाएंगे, और फिर बाबा को दिल खुश करने के लिए बाबा को दिल खुश मिठाई खिलाते हैं, बाबा हम कर लेंगे। बाबा कहते साथ साथ अब तीव्र प्रसाद की लगन को अग्नि रूप में लाओ। अब बाबा को किस स्वरूप में याद करो, बाबा कहते ज्वालामुखी योग का। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। लगन है इसमें बाबा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, इस समय चारों तरफ क्या चल रहा है विश्व में, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं अत्याचार, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं एक तरफ तो अत्याचार और भ्रष्टाचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला स्वरूप में आवश्यक है। ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी। आपकी कैसी, बाबा कहते याद कैसी हो, लगन कैसी हो, ज्वाला स्वरूप हो। पावर बाबा को कैसे याद करो, ज्वाला माना बहुत तेजी से, बहुत अपने को आत्मिक स्थिति में ये ज्वाला मुखी योग करो, पावरफुल योग करो, तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी। और कौन सी अग्नि को समाप्त करेगी, जो भ्रष्टाचार और अत्याचार की चारों तरफ फैल रही है। दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। एक तरफ तो उस अग्नि को भ्रष्टाचार अत्याचार और जो दुखी है अशांति है उसको समाप्त करेगी, दूसरी ओर परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद की बैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी, बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं बाबा मेरा योग तो है सिवाय बाबा के और कोई नहीं, ये बहुत अच्छा है। बाबा कहते मेरा योग तो है सिवाय बाबा के और कोई नहीं, अच्छा, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। बाबा कहते योग तो बच्चों का है लेकिन अभी ज्वाला स्वरूप योग करो, जो यादगार में शक्तियों का शक्ति स्वरूप महाशक्ति रूप सर्व शस्त्रधारी दिखाया गया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। जो यादगार में बाबा कहते हैं शक्तियों का शक्ति स्वरूप महाशक्ति रूप सर्व शक्ति स्वरूप दिखाया गया है, अब उस महाशक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। आप कौन हो, बाबा कहते हैं चाहे पांडव हो चाहे शक्तियां हो, सभी ज्ञान निकली हुई, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। सागर नहीं हो, सागर कौन है, हमारा बाबा, और हम सब बाबा के बच्चे कौन है, नदियां हैं, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं जब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे ज्ञान गंगाएं हो, तो आप ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य, यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। इस समय बाबा कहते हैं आप सब बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था चल रही है। बाबा बच्चों से कहते हैं आप सभी की वानप्रस्थ अवस्था चल रही है। सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में, तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देखकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। बाबा कहते हैं अभी समय अनुसार आप सब बच्चों की कौन सी अवस्था चल रही है, वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ में क्या करते हैं, सभी अपने साधन समय अपने जो भी हमारे बच्चे हैं जो भी उनको समर्पित सब करके स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, आपको क्या करना है, बाबा कहते हैं लौकिक में तो ऐसा करते हैं, आप बच्चों को क्या करना है, अपने समय का खजाना, अपने श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ, औरों के प्रति लगाने से बाबा कहते हैं अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ, अपने समय और संकल्पों का खजाना औरों के प्रति अधिक लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा, सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण
चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आपके आते हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टरदाता देकर मास्टरदाता बनकर देते जाओ। बाबा कहते जो भी समय जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं उनको मास्टरदाता बनकर कुछ ना कुछ देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए वो आपसे कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास खाली होकर ना जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, चलते फिरते अगर कोई बच्चा सामने आया तो बाबा कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता था। किसी को ब्रह्मा बाबा में कृष्ण दिखते थे, किसी को ब्रह्मा बाबा में शांति की अनुभूति होती थी, किसी को कुछ ना कुछ अनुभूति ब्रह्मा बाबा को देखकर होती थी। तो यह भी चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया या खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते। अकुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं, दाता कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। अकुट महादानी, महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ मधुवन में चारों ओर हर एक तरफ बाबा कहते हैं अभी और ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाने के लिए और बाबा के बच्चों को बाबा के पास ले जाने के लिए, बाबा तक बाबा का ये ज्ञान समझाने के लिए, बाबा से जोड़ने के लिए क्या करो, हर एक तरफ चाहे आप जहाँ भी हो वहाँ पर और मधुवन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको आप भट्टी कहते हो वो करो, चाहे आपस में संगठन में रूह रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके आगे यह समय देना। मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा, स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। मेहनत करना, बाबा कहते हैं जब आप इस तरीके, जब ज्वालामुखी योग आपका हाईएस्ट स्टेज पर होगा उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल जैसा अनुभव होगा, स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा शिव बाबा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वाला रूप की कम है। बाबा कहते हैं मेहनत करते हैं और बाबा से प्यार जो ज्वालामुखी स्वरूप में होना चाहिए वो कम है, तब मेहनत लगती है। जब बाबा को प्यार से याद नहीं कर पाते तब बाबा कहते हैं आपको मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो। अल बेले नहीं बनना लेकिन मेहनत से मुक्त होना। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है, आराम से सो जाओ, लेकिन प्यार से मेहनत को ख़त्म करो। शिव बाबा को इतने प्यार से याद करो कि याद मेहनत ख़त्म हो जाए, अल वेलेपन से नहीं। अच्छा, फिर बाबा ड्रिल करा रहे थे, बाबा सबको बिंदु स्वरूप में स्थित होने के लिए बाबा मेडिटेशन करा रहे थे। तो बाबा ने कहा सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मस्तक पे चमकता हुआ सितारा देखकर मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास अब समय रहते बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देहभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करके देखो, ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और दो मिनट के बाद कंट्रोल हो। आपने कहा कंट्रोल और बाबा कहते हैं दो मिनट में आपकी मन बुद्धि स्थिर हो जाए, पाँच मिनट के बाद कंट्रोल हो स्थिर हो। इसीलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज़ करके देखते जाओ कि कितना टाइम लग रहा है आपको अपनी बुद्धि को स्थिर करने में, सेकंड में होता है, मिनट में होता है या ज़्यादा मिनट में होता है, ये सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना है, फिर बाबा देंगे। बाबा कहते 3 महीने का अपना चार्ट अच्छा बनाओ इस ज्ञान मार्ग में। सुबह उठने से लेकर रात तक आप बाबा को कितना याद करते हो। बाबा ने कहा अब याद को ज्वाला स्वरूप बनाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को,
सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहम्मद में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते प्रदान है। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवादारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशंस को भी समाप्त कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे ही आप बाबा के बच्चे शुद्ध समर्थ संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा व्यर्थ वाइब्रेशंस को समाप्त कर दो। अब ऐसी सेवा करो। स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष बनाओ। विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष बनाओ। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस्त संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करें। नज़र से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करें। अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर इस संसार को सकाश दें। अच्छा, ओम शांति।